Bindaas Wild Fam, I know बहुत समय बाद मैं कैमरा पिकअप कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ. बट लिटरली बहुत ही सुपर डुपर मतलब बिजी मानता मैं क्या बताऊँ. आज है April 10th, 2021 और आज है फ्राइडे और आज की हमारी है फ्लाइट. आज हम लोग फाइनली हैदराबाद से कनाडा जा रहे हैं. एंड आई डोंट नो कि दिस इज लिटिल ओवरवेलमिंग, पर इतने समय से ये घर अपना रहा है और ये एक मिनट ये जगह अपनी रही है, ये शहर अपना रहा है. नाउ लाइक अभी तक इतना काम था, इतना कुछ था, तो यू नो जो रियलाइजेशन वाला पार्ट होता है ना वो काफ़ी कम था कि यहाँ से जाना है. बट आज फाइनली सारा जो काम है वो रैप अप हो गया है. तो थोड़ा काफ़ी इमोशनल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहा है. एंड या तो आज फाइनल डे है यहाँ पर हम लोग का. और हैदराबाद में ब्लॉगिंग का सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा हिट करेगा मुझे, पर यस इट इज़. पूरा घर जो है बॉक्सेस में लाइफ बंद कर ख़त्म हो, मतलब ऐसा लग रहा है बॉक्सेस में ही लाइफ बंद गई है, पूरा घर खाली हो गया है. एंड अभी जो है हेलो यस, पूरा जो घर है वो काफ़ी खाली हो चुका है. और अब जो है ये जो फीलिंग है वो सिंक इन कर रही है कि दिस वुड बी माय फाइनल ब्लॉग फ्रॉम दिस होम. और अब नए घर से शुरुआत होगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी ब्लॉगिंग कर ली जाए, कैमरा उठा लिया जाए और आप बिंदास वाइल्ड फैम का स्वागत भी कर लीजिए, थोड़ा अपडेट दे दिया जाए. और जितनी एक्साइटमेंट हो, जितना एक्सटैटिक हम लोग हैं इस चीज़ को लेकर, कहीं ओवरवेल्म भी है हम लोग. इस बार पेरेंट्स कह गए तो मॉम डैड भी बहुत इमोशनल हो गए थे. मॉम तो मेरी हर बार ही रोती है, जब भी मुझे आना होता है वापस छुट्टियों के बाद से ना, तो रोने लगती है, इमोशनल बहुत हो जाती है. पर इस बार पापा भी बहुत इमोशनल हुए, वो भी रोए. मेरी सिस्टर थी, मैं भी बहुत रोई. अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ थे तो कुछ भी होता था तो फटाक से चले जाते थे. अब वहाँ रहेंगे तो चीज़ें जो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं. फाइनल डे, रात के 9:15 बज रहे हैं इंडियन टाइम, 9th अप्रैल, और 10th की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट है 4:00. तो बस हम लोग थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल एटलीस्ट मेरा है. हबी जी का तो है, रह चुका है, पर इतना लॉन्ग टर्म में कभी ट्रैवल नहीं किया है. हबी जी ने भी नहीं किया है कि इस साल के लिए कोई गया हो, तो वो चीज़ हम दोनों में से किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करी है. तो इमिग्रेशन में, कस्टम्स में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता. तो बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे. हमारे पास लगेज काफ़ी है, सबके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर आएगी. तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे चैनल के साथ. और आपके लवली लवली विशेज़ और आपके ढेर सारे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और बहुत ज़्यादा आपका प्यार और सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहता है. तो बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें इस चैनल पे. आप लोग अपना लव और ब्लेसिंग्स तो देते रहते हैं. चलो, दैट्स माय क्यूट हस्बैंड जो क्यूट डरावना जो हमारे हबी जी को, हमारे हबी जी को ना ये चीज़ें दौड़े दौड़े चले आते हैं जब उन्होंने देखते हैं कि मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ. और मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेक, ये है कि हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिप्रेसिंग है. डोमेस्टिक एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, सुनसान तो छोड़ो,
लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लाइक हॉस्पिटल, बिल्कुल हॉस्पिटल की फील आ रही है मुझे यहाँ पर। तो चलो कोई ना, ये भी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे तो बाहर में तो कुछ नहीं है, मतलब पानी के लिए है, वॉशरूम है और कुछ भी नहीं है, एक भी शॉप नहीं है। आप कॉफ़ी भी नहीं पी सकते, वेट करना है तो खुद से वेट करिए। बाहर जा सकते हैं, बाहर भी एक ही शॉप है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट अगेन अंदर एक बार जाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमें इंतज़ार करना है, टाइम से पहले आ गए, एमिरेट्स के बोर्ड्स लग रहे हैं, अभी बगल से देखो वो जा रहा है। तो सॉरी गाइस, दिखा नहीं सकते, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बेटर टू कम अ लिटिल बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आ जाएंगे तो आपको आराम करने का टाइम मिल जाएगा, वरना घर से सामान लेते आएंगे और फिर हड़बड़ सारा चीज़ होगा। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पहले आ जाए। हम लोग का लगेज है 3+1+1 3+1+1 दोनों साइड। हेलो गाइस, तो हम लोग फाइनली दुबई से फिर आने के लिए निकल गए हैं। हम लोगों ने फ्लाइट बोर्ड कर ली है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है गाइस। ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये एमिरेट्स की फ्लाइट में इस तरह का पैनल होता है अपनी सीट के सामने, तो ये जो है ये यूएसबी है और ये अलग अलग टाइप के जैक्स हैं जो आपको जो हेडसेट मिलेगा वो इन सब में से किसी में भी प्लग इन हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपको जैक मिलेगा उसके हिसाब से आपको प्लग इन करना है। ये आपका टैब है जो यहाँ लगा हुआ है और ये इसमें अटैच रिमोट कंट्रोल है, तो इसको बटन को प्रेस करेंगे और ये निकल जाता है। ये तार है और इसको वापस अटैच करने के लिए ऐसे और ये होल्ड हो जाएगा। इधर भी है, यहाँ पे एक फॉर्म है, ये आपका यहाँ पे दिखाएगा एयर शो। हाँ, एयर शो टाइम वन है एयर शो का, इसमें डिटेल दिखाता है कहाँ से फ्लाइट हो रही है, कैसे है। और इसी के इक्विवेलेंट एक चैनल टू है, इस पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिटेल्स दिखाई देती है, आपकी फ्लाइट कहाँ है, कहाँ से जा रही है, किस एग्जैक्ट लोकेशन पर है, वर्ल्ड मैप पर, वो सारे दिखाते हैं। ये एयर शो में आपको जो बाहर है वो कैमराज लगे होते हैं, तो आप वो कैमराज से बाहर देख सकते हैं कि बाहर क्या दिख रहा है। यहाँ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट है, मोस्टली एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, तो आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं, टीवी शोज, म्यूजिक, पॉडकास्ट और मूवीज। आप यहाँ क्लिक करके कोई भी मूवी प्ले करके आप देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन में जैसे कि वाईफाई कैसे सेटअप करना है, कितनी देर के लिए टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, कितना पेमेंट होगा, क्या होगा, ये सारा डिटेल है। इंफॉर्मेशन में आपको बेसिक डिटेल्स मिलेगा कि आज के फ्लाइट के बारे में क्या है, दुबई को डिस्कवर करना है, टॉप अट्रैक्शन ये सारी डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। इसको आप इससे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये रिमोट कंट्रोल है और टच भी है। प्रेस हाँ, और ये कैपेसिटिव टच नहीं है, रजिस्टिव टच है, तो आपको दबाना होगा, बस टच करने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रेस। ये देखिए एक ट्रैवल किट है, ये ट्रैवल किट मिलता है जब भी एमिरेट्स की लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स होते हैं,
तो उसमें ये इस तरह के टाइम के अलग अलग कलर के बैग्स में मिलते हैं। इसमें तो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है सॉक्स, एक होता है आई बैंड और एक टूथब्रश किट। ये तीन चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं जो आप पूरी फ्लाइट में यूज़ कर सकते हैं, और ये किट आप लेके जा सकते हैं अपने साथ। इसके अलावा कंबल, हेडसेट्स, ये सारे डिटेल्स आपको मिलता है, आप अपने साथ ही यूज़ कर सकते हैं। जब फ्लाइट एंड होती है तो उस समय जो एयर होस्टेस और ये फ्लाइट क्रू मेंबर्स हैं वो आते हैं और ये सारा कुछ एक एक करके कलेक्ट करके ले जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट में जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसमें आपको खाने के लिए भी मिलता है, आपको खाने के लिए इतना रहता है सफिशेंट कि आपको भूख नहीं लगेगी। आप मंचिंग के लिए सोच के आ रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने साथ कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं सब कुछ मिल जाता है। दैट्स इट, ये अनाउंसमेंट चल रही है, प्रॉब्लम हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये होता है आपका फूड ट्रे, जब भी खाना आएगा तो आपको ऐसा रखना होता है। और ये है आपका ड्रिंकिंग ट्रे, जो ग्लास का ट्रे, इसमें ग्लास रखने के लिए होल्डर, हाँ ग्लास होल्डर टाइप। बस हम लोग अपना स्थान होगा थोड़ी देर में, और फिर तो हमें 13.5 घंटे 14 घंटे रातों के बीच ही रहना है, ठीक है, आजू बाजू कुछ भी देखना है। और हमारी जो सीट्स हैं वो आइल और मिडिल की, हाँ, और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, अगर हम जा रहे हैं तो प्रेफर के लिए आइल सीट्स, अनलेस आप बार बार किसी और को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते तो आप प्रेफर करिए कि आइल सीट लें, ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में उसके वॉशरूम जा सकते हैं, आपको अगर टहलना है तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए आप जा सकते हैं। और अगर आपके साइड में कोई सो रहा है उसको आपको बार बार डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगेगा। आई इज ऑलवेज प्रेफर्ड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमने दे दिया कि यहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट होता है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइडेड होता है, डोमेस्टिक फ्लाइट से सब देखने को नहीं मिलता, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ ही होती हैं। एंड यहाँ जो फ्लाइट होती है काफ़ी बड़ी होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो मैं भी देख रही हूँ, इकॉनमी क्लास काफ़ी ढेर सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, काफ़ी जोन्स हैं इसके। और जैसे हमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स में होते हैं 2 रोज़ होते हैं, यहाँ पर 3 रोज़ होते हैं, तो जो साइड के 2 रोज़ होते हैं उसमें 3 सीट्स होते हैं, और जो सेंटर वाली होती है उसमें 4 सीट्स होते हैं, तो ये डिफरेंस है। दीवारों में तारे बने हुए हैं, तारे लगे हुए हैं, अच्छा दिख रहा है, बहुत ही क्यूट सा। अच्छा इसे बोलते हैं दिन में तारे देखना, दिन में तारे देखना, अच्छा है, नाइस। अंग्रेजी मीडियम मूवी हम दोनों लोगों ने मूवी नहीं देखी है, हमेशा एक पुलओवर जरूर तैयारी करिएगा अगर आपको
दिल्ली वगैरह में होती है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है तो ठंड हो जाती है हल्की हल्की सी। तो हमेशा ऐसा पतला कोई पुलोवर जैसे यहाँ भी जी जैसा पहने पुलोवर कैरी करें, और एक नेक पीस ज़रूर कैरी करें अगर लॉन्ग ट्रैवल है तो। नेक पीस बहुत हेल्प करता है, सोए सोए आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा खिंचती नहीं है तो चुप नहीं पड़ेगा गर्दन, इसलिए एक ही कैरी करना बहुत अच्छा रहता है। इसे कहते हैं दिन में तारे दिखना। अभी तो फिलहाल ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है, अभी शटर्स बंद हो गए थे बीच में, जैसे आप सामने वाले एरिया में देख सकते हैं वहाँ पर अच्छे खासे तारे दिख रहे हैं, अच्छे से ब्लैक आउट है, यहाँ तो फिर भी शटर्स थोड़े बहुत खुले हैं।